इस झाड़ू में जान भी नहीं है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरे और से सादर प्रणाम। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मेरे गांव का नाम है उद्यान गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में तिरौड़ा मार्केट के आसपास पड़ता है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और जो छोटे मोटे घर के काम थे वो मैंने सारे निपटा लिए हैं। अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं एक दिन आपको कोदे की रोटी बताऊंगा, मंडुए की रोटी बताऊंगा। जिस दिन मेरी दीदी कोदे की सफाई कर रही थी, यानी मंडुए की सफाई कर रही थी, आपको याद होगा। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा था कि जिस दिन मैं टेस्टी टेस्टी रोटी खाऊंगा, उस दिन तो मैंने सिर्फ कोदे को बताया था, यानी मंडुए को बताया था, और आज मैं आपको बताऊंगा उसकी रोटियाँ। तो मैंने यहाँ पर रखी हैं, ये देख लो, ये है कोदे की रोटी यानी मंडुए की रोटी, और साथ में कद्दू की सब्जी, पहाड़ की सबसे फेमस रोटी, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था जब हम बंदरों को भगाने के लिए गए थे, आपको याद होगा। तो ये रोटी हैं, आपको पता होगा काफ़ी टेस्टी ये रोटी होती हैं, इनसे काफ़ी बीमारियां कटती हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा हमें पावर भी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना बढ़ता है, बहुत सारे प्रॉफिट इन रोटियों से होते हैं। ये देख लो, तो ये होती है मंडुए की रोटी। अब इसको खाऊंगा मैं, टेस्टी टेस्टी रोटी है। इस मंडुए की रोटी की एक खासियत यह है कि यह काफ़ी टेस्टी होती है, मीठी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और शरीर के लिए फायदेमंद भी होती है। पर जो लोगों की मेन प्रॉब्लम रहती है वो इस रोटी को खाना पसंद नहीं करते हैं। जो लोग इस रोटी को नहीं खाते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इस रोटी को खाया करें। अगर आप एक रोटी भी ये खाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि ये नेचुरल रहती है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं रहती, एकदम शुद्ध रहती है। और जो बाजार का आटा रहता है उसमें काफ़ी प्रकार की मिलावट रहती है। जब आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो इनका प्रॉफिट लेना चाहिए। मंडुए की टेस्टी रोटी को मैंने खा ली है और अब जो ये बर्तन है इनको फिलहाल यहाँ पर रखते हैं, इनको मैं बाद में धो लूँगा और हाथ धोते हैं और कुल्ला करते हैं। अब मेरे लिए जो नेक्स्ट काम है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बाल्टी दिख रही होगी और इसमें पानी भी दिख रहा होगा, तो इसको कप चढ़ने कहते हैं। जैसा हमने कोई रोटी डाली उसमें, कोई जूठी सब्जी, कोई चाय डाली, तो वो ये है। अब मुझे इसको भैंस को देना है, पर अपनी भैंस को नहीं देना है, यहाँ सामने पर एक ताई जी की भैंस रहती है, उनकी भैंस को देना है। और आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अपनी भैंस को क्यों नहीं देना, क्योंकि हमारी भैंस जो है वो अभी नई नई ब्याई है, जब तक उसका दूध साफ नहीं हुआ तब तक उसको कुछ भी चीज़ जूठी नहीं देनी है, चाहे वो भैंस हो चाहे वो गाय हो, तो नहीं देते हैं जब तक उसका दूध साफ नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल उसका दूध गाढ़ा है, यानी जिसको लिसड़ा भी कहते हैं। चलिए मैं इसको ले जाता हूँ, इसको पकड़ने के लिए हो भी नहीं रहा है, ये देख लो, ऐसे में ले जाना पड़ रहा है इसको। मैं एक काम करता हूँ, कैमरे को साइड में रखता हूँ, पहले इसको वहाँ पर ले जाता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ उस भैंस को भी और कहाँ पर मैंने ले जाना है। भैंस को पानी देने के साथ साथ मैं उसको गुड़ भी दे देता हूँ, जो कि ये है, मैं इस गुड़ को भी दे देता हूँ। इसमें से एक पीस निकालता हूँ, इस मैंने निकाल दिया है, और पानी देने के बाद मैं उसको ये भी दे दूंगा। जहाँ पर मैंने भैंस को पानी देना है वहाँ पर मैं आ गया हूँ। आपको पीछे भैंस भी दिख रही होगी जो कि मैं कर रही है पानी को देख कर, ये देख लो। अब मैं इस पानी को भैंस को देता हूँ, ले। तो ये देख लो, भैंस ने गुड़ भी खा लिया है और जो बचा हुआ था वो इसको भी दे दिया था मैंने। चलिए आप चलते हैं। ओ, लाइट बंद तो मैंने की ही नहीं। चलो चलो, बाय बाय भैंसों। ये देख लो, चारों तरफ के भैंस मैं कर रहे हैं, ये वाला भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है और यहाँ पर भी। मेरे लिए जो नेक्स्ट काम है वो काम है कि यहाँ छत में आपको ये दिख रहा होगा, ये देख लो, इसको हमारे यहाँ मारछा कहते हैं और इसके लड्डू भी बनते हैं। इसको हमने सुखाने के लिए रखा था, पर जब कल बारिश आई तब इसके ऊपर से ये तिरपाल हमने रख लिया था ढक के। अब धूप लगने वाली है तो इसको मुझे हटाना है ऐसे, और इसको खोलना है या नहीं खोलना। चलो फिलहाल मैं इसको नहीं खोलता हूँ, क्या पता इसको ऐसे ही पैक करके रखना होगा। तो ये देख लो, इसको मारछा कहते हैं, और इसके जो ये हरे हरे पत्ते हैं
इनकी सब्जी भी बनती है, काफ़ी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। नंबर वन हरी सब्जी बनती है इसकी, बहुत टेस्टी होती है। इसको हटाने के साथ साथ मुझे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस पानी को साफ करना है, क्योंकि पानी जो है वो भीतर आ रहा है टपक टपक के। चलो इसको भी साफ करते हैं। और रखी अब बाय देवे यहाँ पर ये डॉग मस्त मजे ले रहा है। ओए लक्की, ओए ले लक्की लक्की। हरी सब्जियों में मेरे हिसाब से सबसे स्वादिष्ट और सबसे पौष्टिक सब्जी यही है मार्चे की सब्जी। मुझे तो सबसे अच्छी वही लगी मार्चे की सब्जी। चाहे आप राई ले लो, चाहे आप पालक ले लो, चाहे आप हरी मसी कोई भी सब्जी ले लो, पर सबसे बेस्ट मुझे यही लगती है। ये टेस्टी भी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। इस पानी को साफ करना था, पर झाड़ू तो मैं नीचे ही भूल गया, मार्चे के ऊपर से तिरपाल हटाने के चक्कर में झाड़ू नीचे ही भूल गया। झाड़ू कहाँ है, ये है झाड़ू, पर इस झाड़ू में जान भी नहीं है। कैसे मैं करेगा ये साफ। ये देख लो, इसे मैं सफाई करता हूँ। अब दोस्तों आज के ब्लॉग की एंडिंग करने का टाइम आ गया है। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।